आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि आप लोग अगर इलाहाबाद गए होंगे और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन किए होंगे तो आप लोग महंत नरेंद्र गिरी के बारे में बेहतर जानते होंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। देखिए अभी क्लियर कह पाना ये कि इन्होंने आत्महत्या की हुई है या इनकी हत्या की गई है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इनका जो शव था प्रयागराज के अल्लाहपुर में बागम्बरी गद्दी मठ के कमरे में एक फंदे से लटकता मिला है। अब इन्हें मारा गया है या इन्होंने खुद अपने हाथों से सुसाइड किया हुआ है यानी कि आत्महत्या की हुई है, आगे आने वाली जो भी जांच होगी उसमें क्लियर हो पाएगा। देखिए आप लोग देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में आप लोग जिसे इलाहाबाद पहले जानते थे, जिसे आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो यहीं की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि गंगा के किनारे हनुमान मंदिर है। जब आप लोग गंगा के दर्शन करने या नहाने जाते होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ दर्शन करने भी जाते होंगे। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई हुई कि आप देखिए कि दुनिया को जो रास्ता दिखाने वाले जो भी धर्मगुरु हैं आपके, अगर वो आत्महत्या की बात करते हैं या इस तरह की घटना होती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को आप देखिए रास्ता दिखाते हैं वो लोग, और वो खुद अगर इस तरह का कदम उठाएं तो एक सोचने वाली बात हो जाती है। तो इसकी इनकी एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी और ये कई बार विवाद से भी जुड़े रहे हैं आपके। अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो महंत नरेंद्र गिरी ये प्रयागराज के ही रहने वाले थे और वे प्रयागराज के बागम्बरी मठ के महंत थे और इनके साथ ही वे संगम के किनारे जो प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर देखते हैं ना आप लोग, इसके मुख्य पुजारी भी थे और निरंजनी अखाड़े में से उनका जुड़ाव भी रहा है। और जो आपका निरंजनी अखाड़ा था इसके सचिव भी रह चुके हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी बने। और महंत नरेंद्र गिरी ने राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसमें आपने देखा है उमा भारती हूँ आपकी, कल्याण सिंह हूँ आपके, आपने तो देखा था कि कल्याण सिंह को तो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था उस आंदोलन के पीछे, तो उससे भी इनका जुड़ाव रहा है, उसमें भी ये भागीदारी की है इन्होंने। और आपने देखा होगा कि 2019 में जो आपका कुंभ हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में, उसमें भी काफ़ी इनकी भूमिका रही है, पूरा देखरेख का जो भी जिम्मेदारी थी इन्हीं को दी गई थी। आप देखेंगे मार्च 2015 में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और बागम्बरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी को सर्वसम्मति से यानी कि सबकी सहमति से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया था। और आपको बता दूं कि पूर्व के अध्यक्ष ज्ञानदास के कार्यकाल के बाद उनकी ताजपोशी हुई थी और साल 2019 में फिर से उन्हें दोबारा इस अध्यक्ष पद पर चुना गया था। यानी कि जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का परिषद होता है इसके अध्यक्ष दो बार बने वो, एक तो आप देखेंगे 2015 में और एक आपका 2019 में। और प्रयागराज के बागम्बरी मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान में आप सभी जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी संपत्ति है इस मंदिर के नाम, जो आप देख सकते हैं करोड़ों रुपयों की है और दोनों जगहों से आप देखेंगे करोड़ों रुपये की आमदनी भी होती है। और यही नहीं, मठ के पास आप देखेंगे प्रयागराज शहर के अलावा नोएडा में भी कई एकड़ जमीन भी है और जिसकी कीमत आप देख सकते हैं कि अरबों रुपये है। और आपको एक और बात बता, इस तरह के जितने भी मठ होते हैं मंदिर होते हैं इनके पास काफ़ी ज़मीन रहती है अपनी, आप देखिए सोना चांदी हो, इन यहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं, तो आमदनी मतलब कई स्रोत होते हैं इनका। और आप देखें अगर अखाड़ों के काउंसिल की अगर बात करें तो 13 अखाड़ों के काउंसिल है जिसे आप लोग अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कहते हैं। नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और आपको बता दूं कि 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। कब? 1954 में। और यह परिषद देश के प्रमुख 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है और अध्यक्ष के तौर पर अगर आप देखें तो महंत नरेंद्र गिरी का ये दूसरा कार्यकाल था और अखाड़ा परिषद की एक ही तरह से महामंडलेश्वर और बाबाओं को सर्टिफिकेट दिया करती है। एक तरह से आपका जो अखाड़ा परिषद है इसका यही काम है कि महामंडलेश्वर और बाबाओं को एक तरह से सर्टिफिकेट देखते हैं ना आप लोग,
आपने देखा होगा कि आप लोग कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं तो कोई संस्था होती है, वो आपको एक तरह से सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा दे देती है। तो आप कह सकते हैं कि इसी तरह से आपका अखाड़ा परिषद भी एक तरह से संस्था ही है। और कहा जाता है कि देश के 13 अखाड़ों के जिम्मे एक तरह से सनातन हिंदू धर्म की रक्षा का भार है, और हिंदू धर्म की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संस्था भी इसे मान सकते हैं आप लोग। और बताया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की थी, और तब आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ हो, रामेश्वरम हो, जगन्नाथपुरी हो, या फिर आप देखेंगे द्वारिका पीठ हो, आदि भी की भी स्थापना की गई थी उसी समय। और उसी काल में आप देख सकते हैं कि युवाओं साधुओं के लिए मठ और अखाड़ों की स्थापना भी हुई थी। फिलहाल आप देश में कुल 13 अखाड़ों को देखते हैं, ये सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं। और आपने देखा है, अगर हम लोग महंत नरेंद्र गिरी की बात करें तो प्रयागराज कुंभ के मेले की अहम भूमिका में ये थे। कुंभ मेले के दौरान कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा अखाड़ा परिषद की ही तय करता था, और कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान अखाड़ों को विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। साल 2019 में आपने देखा, जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था तब इस भव्य आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अहम भूमिका भी रही थी, और मेले के भी समय समय पर शासन प्रशासन के मार्गदर्शन भी करते रहे थे। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी भी सरकारें जिसकी भी रही हो, मुलायम सिंह को मायावती की हो या बीजेपी की हो, इनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। मुलायम सिंह से भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, अखिलेश यादव से भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, मायावती से भी अच्छे संबंध रहे हैं, और बीजेपी से तो आप जानते ही कि इनका झुकाव है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी उसी कैटेगरी में एक तरह से आते हैं। और उनके मठ बागमरी गद्दी में भी भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनात भी रहती थी। अब बात आती है इनके विवादों से, क्योंकि आप देखें कि कई बार ये विवादों में भी रहे हैं। तो सबसे पहले जो अभी चर्चित है, और इसे भी एक इनकी आत्महत्या या हत्या का कारण माना जा रहा है, ये है इनके शिष्य आनंद गिरी को इन्होंने कुछ समय पहले अखाड़े से निकाल दिया था। यानी कि जो आपके महंत नरेंद्र गिरी थे, इनके शिष्य थे आनंद गिरी, इनसे काफ़ी इनका मतभेद भी रहा है। महंत नरेंद्र गिरी और उनके सबसे खास शिष्य आनंद गिरी के बीच हरिद्वार कुंभ से दूरियां बढ़ गई थी, और स्वामी आनंद गिरी के परिवार से संबंध रखने और मठ मंदिर के धन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाते हुए नरेंद्र गिरी ने उनके बागमरी गद्दी मठ और बड़े हनुमान मंदिर में प्रवेश पर रोक भी लगा दी थी। और इसके बाद कई दिनों तक दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, और आखिरकार आप देखेंगे 26 मई को लखनऊ में आनंद गिरी से ने गुरु का पैर पकड़कर एक तरह से इनसे माफी भी मांग ली थी। वो वीडियो भी जारी किया गया था, और उस समय इन्होंने भी माफ कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि वो दूरियां खत्म नहीं हुई थी, इन दोनों के बीच वो दूरियां बनी रही हमेशा। दूसरा विवाद अगर हम बात करें तो आशीष गिरी की आत्महत्या का मामला भी काफ़ी उठा था, और इसका आरोप भी आप देखेंगे महंत जो नरेंद्र गिरी थे इनके ऊपर लगाया गया था। ये पंचायती अखाड़ा श्री नरंजनी के सचिव थे महंत आशीष गिरी, और इन्होंने 17 नवंबर 2019 को संदिग्ध स्थिति में मौत पर भी सवाल उठे थे। और मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले आशीष गिरी दारागंज स्थित पंचायती अखाड़ा श्री नरंजनी के आश्रम में रहते थे, और मौत के बाद कुछ लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि आप देखेंगे बाद में पुलिस जाँच में कुछ नहीं निकला था, तो इस मामले की भी आप देखेंगे जांच होगी, उसके बाद मालूम ही चलेगा क्या है क्या नहीं, क्या असली मुद्दा था। एक विवाद और काफी इनसे जुड़ा रहा है, एक सापा विधायक थे 2012 के करीब की बात है, सापा विधायक से जमीन को लेकर हुआ था इनसे विवाद। और नरेंद्र गिरी का विवाद 2012 में सापा नेता और हंडिया से विधायक रहे थे महेश नारायण सिंह से जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर भी हुआ था, और फरवरी 2012 में महंत ने सापा नेता महेश नारायण सिंह और शैलन सिंह और हरि नारायण सिंह बाव 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जॉर्ज टाउन में मुकदमा भी यानी कि FIR भी करवाई थी। और दूसरे पक्ष में आप देखेंगे नरेंद्र गिरी आनंद गिरी व दो अन्य के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। तो इस मामले में भी आप देखेंगे काफ़ी चर्चा में बने रहे। एक विवाद और आपने देखा होगा, एक शादी की फोटो वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन असल में आप देखेंगे उसमें इनका ये मौजूद थे, लेकिन इन्होंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया हुआ था। बार बालिकाओं पर मंदिर के रुपये उड़ाने का आरोप भी लगा था। अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से विवाद के बाद योग गुरु स्वामी आनंद गिरी ने मई में दो वीडियो जारी कर मंदिर के रुपये के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया था। एक वीडियो में आप देखेंगे बार बालिकाएं थिरक रही थी और उनके साथ बड़े हनुमान मंदिर मठ से जुड़े लोग डांस कर रहे थे,
लेकिन हकीकत में देखिए, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, कई आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें महंत नरेंद्र गिरी डायरेक्ट कुछ शामिल नहीं थे, वो कुछ इस तरह का पैसे उड़ाने की काम नहीं कर रहे थे। बार बार गांव पर नोटों की बारिश भी की जा रही थी, और दूसरे वीडियो में मंत्रोच्चार के बीच नोटों की बारिश हो रही थी, और इसमें महंत नरेंद्र गिरी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। तो यहाँ भी आप देखेंगे वो अपना काम ही कर रहे थे, लेकिन विवाद आप देखिए वहाँ मौजूद रहते हैं, तो विवाद उठना स्वाभाविक भी रहता है। एक विवाद और आपने देखा होगा, बी आर बार डिस्को संचालक थे, महा को मनाया था इन्होंने, महामंडलेश्वर की उपाधि थी। नोएडा में दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े डिस्को के जो बी आर बार के संचालक थे सचिन दत्रा उर्फ जिनका नाम था सच्चिदानंद गिरी, इन्हें आप देखेंगे इन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि 31 जुलाई 2015 को दी थी, और इससे काफी नरेंद्र गिरी का विवाद भी आया हुआ था। और बागमरी गद्दी ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह की मौजूदगी में नरेंद्र गिरी ने सचिन का पट्टाभिषेक कर निरंजी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। उस समय आप देखेंगे सपा की सरकार हुआ करती थी, तो उसी समय की बात हो रही है। एक और विवाद आप देखेंगे, गनर इनका जो गनर था उसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगे हैं। महंत स्वामी नरेंद्र गिरी के गनर रह चुके सिपाही अजय सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगे थे, और इस सिपाही के रहन सहन और ठाटवाट पर सवाल भी खड़ा करते हुए लखनऊ की RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने DGP समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिख भेजकर जांच कराने की मांग की थी, और 61 लाख के फ्लैट पत्नी के नाम खरीदने का दावा भी इसमें किया गया था इनके घर पर। और मुझे लगता है कि आप लोग नूतन ठाकुर को जानते होंगे, जो अमिताभ ठाकुर हैं जो रिटायर्ड, आपसे देखे होंगे IBS भी रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि एक ईमानदार IPS हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे सरकार किसी की भी रही हो उत्तर प्रदेश में, उनका विवाद सरकारों से हमेशा रहा है। मुलायम सिंह को आप देख लीजिए, FIR कर दी थी उन्होंने, या फिर आप देखिए योगी सरकार में आप देख सकते हैं, मायावती सरकार में देख सकते हैं, और इनकी पत्नी है नूतन ठाकुर, और ये आप ये भी काफी चर्चित रहती हैं, इस तरह के जो भी मामले उठाती रहती हैं। और एक विवाद आप देखेंगे, किन्नर अखाड़ा को ये मान्यता नहीं देते हैं, किन्नर अखाड़ा भी आप लोगों ने सुना होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। नरेंद्र गिरी किन्नर अखाड़े को मान्यता नहीं देते थे, और उनका कहना था कि जगत गुरु शंकराचार्य ने 13 अखाड़ों की स्थापना की थी, और किसी को भी 14 अखाड़े के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है, और इसीलिए आप देखते हैं कई जगह आपको 14 अखाड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हालांकि 2019 के कुंभ मेला में प्रशासन ने किन्नर अखाड़े को जमीन और सुविधाएं भी दी थी, और उज्जैन में 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़े की स्थापना हुई थी। बाद में 2016 के उज्जैन कुंभ में अखाड़े ने स्वतंत्र रूप से पेशवाई की जगह दिवत यात्रा भी निकाली थी, किन्नर अखाड़े की बात कर रहा हूँ। और एक विवाद आप देख लीजिए, परी अखाड़ा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए गए थे। महंत नरेंद्र गिरी परी अखाड़ा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, उनका कहना था कि जिस त्रिकाल भवंता ने कहीं से दीक्षा नहीं ली, जो सन्यासी नहीं है, विपरी अखाड़ा बना रही है, और त्रिकाल भवंता लगातार महिला सन्यासियों के लिए परी अखाड़ा की पैरवी करती रही। और आप देखेंगे विवाद, योगी सत्यम के खिलाफ भी इन्होंने FIR करवाई थी, ये मामला है आप देखेंगे 2018 का। नरेंद्र गिरी ने 2018 अगस्त 2018 को क्रिया योग आश्रम के योगी सत्यम के खिलाफ धमकी देने के आरोप में दारागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, और अखाड़ा परिषद ने योगी सत्यम को फर्जी संतों की सूची में डाल दिया था, और जिस वजह से विवाद बढ़ता चला गया था। और एक विवाद आप देखेंगे 2004 का भी है, 2004 में मठ बागमरी गद्दी के महंत बनने के बाद नरेंद्र गिरी का सबसे पहला विवाद तत्कालीन DIG जो आप देखेंगे वहाँ के RN सिंह थे, इनसे हुआ था, और RN सिंह ने से जमीन के बेचने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद आप देखेंगे DIG ने मंदिर के सामने कई दिनों तक धरना भी दिया था, और उस समय आप देखेंगे मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, इन्होंने RN सिंह को सस्पेंड कर दिया था, तब कहीं जाकर ये मामला शांत हुआ था। तो यही कहानी है आपकी महंत नरेंद्र गिरी की। अब आप देखिए जांच हो मालूम चले तब क्लियर मालूम चले कि आखिर क्या मामला था, किस वजह से ये सब इतना कदम उठाना पड़ा, या किसी और ने इनकी हत्या की हुई है, तो जांच होने दीजिए, उसके बाद मालूम चल जाएगा इसका।